आपको लगता है मसाज सिर्फ आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है तो ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पार्लर जाएं फेशियल मसाज जरूर कराएं, लेकिन अगर आप फेशियल मसाज को घर पे करना चाहते हैं तो इस मसाज को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपने 7 डेज कंटिन्यूस मसाज को कर लिया तो आपके फेस पे इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा कि अगली बार आप इस मसाज को किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके ही चैनल पे दिल से स्वागत है। मैं हूँ अर्चना। इस मसाज को करने से आपकी स्किन टोन होगी। ये मसाज जो है बहुत अच्छा एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये आपकी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स, यहाँ तक कि डार्क स्पॉट को भी रिड्यूस करता है और आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो लेकर भी आता है। तो चलिए मसाज को करना शुरू करते हैं। इस मसाज को ऑयली स्किन वाले भी कर सकते हैं, लेकिन इस मसाज के बाद मैं बताऊंगी कि आपको और कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। इस मसाज को शुरू करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें। किसी भी फेस वॉश से आप अपने फेस को क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद ही ये मसाज आप करना शुरू करें। ये मसाज आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, या तो सीरम से भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसे भी लगा के इस मसाज को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। इसके लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा आलमंड ऑयल लेना है, बहुत ज्यादा आपको ये ऑयल नहीं लेना है। इसके बाद इसको अपने हाथों से ही आप इसको रब करेंगे थोड़ा, जिससे ये ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए। अच्छे से आपने जब रब कर लिया उसके बाद आप अपने फेस पे अच्छे से इस ऑयल को अप्लाई करेंगे। ऑयली स्किन वालों को हमेशा इस बात का डाउट रहता है कि उन्हें ये मसाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे आपके बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह से आपके फेस को रिंकल से बचाने के लिए, फाइन लाइन से बचाने के लिए मसाज की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन बस जो ऑयली स्किन वाले हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है, इस मसाज को सिर्फ वीक में आप वन टाइम इस मसाज को करें। आपने जब इस ऑयल को सब जगह अच्छे से अप्लाई कर लिया, आप अपने आईज पे भी लगा लें इस ऑयल को। इसके बाद आप सबसे पहले आपको इस एरिया का मसाज करना है। इसके लिए आप ये अपना फोर फिंगर लेंगे और इसको, ये जो आपका लिप्स का ये कॉर्नर है वहां पे आप इसको, ये वाला फिंगर जो है आप इस कॉर्नर पे रखेंगे। इसको आपको अपवर डायरेक्शन में ले जाना यहाँ पर, और फिर इससे ऐसे वन टाइम, टू टाइम, वन, ऐसे आप इस तरह से आपको कम से कम आपको 20-30 टाइम्स ऐसे आपको करना है। ये बहुत इफेक्टिव मसाज है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। आपको ग्लो तो तुरंत आपको दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आपने इधर कर लिया और सेम प्रोसेस जो है आपको इस साइड से करना है। इसमें इस फिंगर को आप यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे और ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे और इस तरह से आपको मसाज करना है। ये चीज आपको इधर करनी है, ये चीज आपको अप ले जाना है। इधर भी आपको जितने टाइम्स आप उधर करेंगे उतने ही टाइम्स आपको इस साइड भी करना है। अब आपको क्या करना है, फोरहेड पे देखेंगे किसी किसी के रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस बनने लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे आपको मसाज करना है। फोरहेड पे अगर आपको रिंकल्स आ गए तो कोशिश करें इस मसाज को आप 30-40 टाइम्स इस मसाज को आप ऐसे ऐसे करें। बहुत इफेक्टिव मसाज है, आप जरूर करके इसे देखें। इसके बाद जब आप ये मसाज कर लेंगे, फिर अपने हाथों को आप नीचे ले आए ऐसे, और यहां से आप इसको अप ले जाएं। अप ले जाएंगे, थोड़ी देर तक रुकना है, उसके बाद आप इस तरह से डाउन आ जाएं। फिर आपको ऐसे ही करना है, ऐसे मसाज करना है, फिर आपको अप, यहां धीरे से आपको बिल्कुल आराम से अप नाउ डाउन, ये आपको 5-10 टाइम्स ऐसे आपको करना है। और ये जो आपका होता है यहाँ पे बोन, यहाँ पे आपको ऐसे आके होल्ड कर देना है। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है कि फेशियल मसाज करते हैं तो हमारी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत आराम आराम से करोगे तो रिंकल्स नहीं आते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि आप कभी भी मसाज करें तो बिना ऑयल के मसाज ना करें। अब आपको ये जो नकल्स होते हैं उससे मसाज करना है। सबसे पहले आप अपने नेक के पास आएंगे, इस तरह से आप मसाज करेंगे,
ये जो नकल्स है उसका प्रेशर जो है आपकी स्किन पे आना चाहिए। इससे आपके डबल चिन भी रिड्यूस होते हैं, आपकी जो नेक की स्किन है वो भी टाइट होगी, और अगर उस पे लाइंस बनने लगे हैं तो वो भी इससे दूर होते हैं। अब आपको इस एरिया में आना है, यहां वाला जो है चिन जो है उस एरिया में आपको आना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे और ऐसे ऐसे जो है आपको अप करते हुए हल्का हल्का, हमेशा आप कोशिश करें कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, डाउन नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। जिसकी सेंसिटिव स्किन होगी उसको थोड़ा सा होता है ना, रेड रेड सा होगा स्किन, लेकिन इट्स नॉर्मल, बाद में वो आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको इसी नकल से इस फोरहेड पे भी मसाज करना है। अगर आपको दोनों हाथों से प्रॉब्लम होती है तो आप वन हैंड से भी इस मसाज को कर सकते हैं। आके यहाँ पे आपको होल्ड करना है। अब आपको इस चीज से और इस चीज से करना है। इससे क्या करना है, यहाँ पे आप फिंगर रखेंगे, यहाँ दोनों ऐसे ज्वाइन करेंगे, और दो फिंगर आपको ऐसे इस एरिया पे रखना है ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल आराम से अपने स्किन को स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल आराम से ऐसे, और यहाँ पे होल्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, इस एरिया की मसाज करनी है बिल्कुल हल्के हाथों से। अभी इस हैंड से आप मसाज करेंगे। अब आपको प्रेशर पॉइंट जो है उसकी मसाज करनी है, जैसे ये प्रेशर पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, नोज के पास हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस एरिया पे अपनी फिंगर्स को रखना है, यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, ये जो एरिया है यहाँ आपको प्रेशर देना है, और जब आप इधर ले जाएंगे तब आपके हाथ को बिल्कुल हल्का रखना है। प्रेशर दिया, हल्के हाथों से आप यहाँ गए होल्ड, प्रेशर दिया, हल्के हाथों से यहाँ पे आपको होल्ड। ये वाली चीज आपको 10 to 15 मिनट टाइम्स इसको करना है। देखिए एक चीज और मैं बता देती हूँ कि जिसके स्किन पे कोई इश्यू नहीं है, 25+ वाले भी इसको कर सकते हैं, उसको इसे सिर्फ 4 to 5 टाइम्स करना है, लेकिन जिसके स्किन पे बहुत ज्यादा इशू आ गए, इशू मीन्स रिंकल्स, फाइन लाइन्स, वो इस मसाज के जो टाइम्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दे 15 टाइम्स। पहले शुरू में आप 10 टाइम्स करें, जब आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा दें, लेकिन 15 टाइम से ज्यादा आपको नहीं करना है। तो आपने यहाँ पे प्रेशर दिया, अब इस तरह से आपने ऐसे यहाँ पे होल्ड कर लिया। अब आपको इस एरिया पे आपको ऐसे करना है, यहाँ पे रखा अपना प्रेशर देते हुए इसको यहाँ पे होल्ड, ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स ऐसा करना है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे आएंगे, इसको ऐसे ऐसे जो है हल्का हल्का प्रेस करेंगे, और इस एरिया को भी यहाँ पे अपलिफ्ट कर देंगे। अब आप यहाँ नोज के पास आएंगे, इसको आप ऐसे 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 ऐसे, जिसको यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस बन जाती है, अगर वो इसको 100 टाइम्स, 100 टाइम्स आई नो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आप 100 टाइम्स अगर इसको कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये वाली लाइन जो है आपकी बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो गई है। तो आपको मैं मसाज जो बता रही हूँ आप उसी कंटिन्यू करें। आपको ये ऐसे ऐसे जो मसाज करना है उसके बाद इस एरिया को भी ऐसे करके अपलिफ्ट। अब आप अपने आईज के पास आएंगे, इस एरिया को हल्का सा प्रेस करना है। हमेशा मैंने पहले भी वीडियो बनाया उसमें आपको बताया है कि आईज का जब भी आप मसाज करें इस फिंगर से ही मसाज करना चाहिए, क्योंकि इस फिंगर का प्रेशर जो है वो कम पड़ता है, जिससे आईज के पास रिंकल्स नहीं आते हैं। तो
तो इससे आप मसाज करें बिल्कुल हल्के हाथों से, यहाँ पे होल्ड होल्ड। इसके बाद आप इस एरिया की मसाज करेंगे, लेकिन ये भी बिल्कुल हल्के हाथों से, स्टॉप। ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स ऐसा आपको करना है। इसके बाद हम इस प्रेशर पॉइंट पे आते हैं और इसे भी आप ऐसे जो है सर्कुलर मोशन में आप ऐसे मसाज करेंगे। ये आपको बहुत रिलैक्स देता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को प्रेस करने से बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो आप इस तरह से एक हाथ से करके उसके बाद दोनों फिंगर को लेके यहाँ पे ऐसे कर दें। रिलैक्स। इसके बाद आप अपने फोरहेड का मसाज करेंगे। इसको भी आपको अपर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आपको करना है। ये भी आपको 5 to 10 टाइम्स इसको ऐसे करना है। फोरहेड पे ही बहुत ज्यादा रिंकल्स, सबसे पहले रिंकल्स जो है बहुत लोगों को फोरहेड पे ही होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। पैसे से मसाज करके स्टॉप। अब आपको क्या करना है, एक बार लास्ट में अपनी बॉडी को थोड़ा सा अपने फेस को रिलैक्स कर देना है, ऐसे ऐसे। और उसके बाद आप अपने पाम को अच्छे से रब करेंगे और फेस को रिलैक्स करेंगे। पहले आईज बिल्कुल आराम से खोलिए, बिल्कुल आराम से फेस, अगेन फेस, अगेन। इस तरह से आप अपने फेस को रिलैक्स करेंगे, रब करके आप अपने नेक पे, अपने फेस पे, सभी जगह जो है एक एक बार आप ऐसे कर लेंगे। जब ये मसाज आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक क्लॉथ लेना है, उसको आपको वाटर में डिप करना है, एक्स्ट्रा वाटर निकालना है और उससे अपने फेस को अच्छे से वाइप करना है। अच्छे से आप अपने फेस को वाइप कर ले। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर वाइप करने के बाद आप ऐसे ही छोड़ दें, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है इसे वॉश कर ले। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसके बाद आप जाके फेस वॉश कर ले। जो 25 प्लस वाले हैं उन्हें वीक में सिर्फ 1 टाइम इस मसाज को करना है, जो 30 प्लस है उन्हें वीक में 2 टाइम्स करना है और जो 40 प्लस है उन्हें डेली करना है। जब तक कि उनके स्किन की प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती है तब तक इस मसाज को करना है। जब आपको लगे कि आपके स्किन की ये सारी चीज़ें दूर होनी शुरू हो गई हैं तब आप वीक में 2 टाइम्स या 1 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। तो इस मसाज को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जिन्हें भी ज़रूरत है मेरी वीडियो की आप उन्हें शेयर भी कर दिया करें। मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, ये चीज़ मैं गिव अवे वालों के लिए बोल रही हूँ जिसने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है, इसका आंसर आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।